बज गए हैं यार 3, एंड इतनी ज़्यादा धूप है। 3 नहीं बजे एक्चुअली, अभी 2:30 बजे हैं, और अभी मैं और राज जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मेरी आँख भी नहीं खुल रही है। बट क्योंकि 3 बजे तक का ही टाइम है, तो इसलिए जा रही हूँ। एंड गाड़ी भी राज ने इधर खड़ी की है आज, क्योंकि हमारे गेट के सामने बहुत तेज़ धूप है। और वैक्सीन भी सिर्फ मैं लगवाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें किसी किसी को ना फीवर वगैरह भी आ जाता है, तो इसलिए एक एक लोग करके लगवाएंगे, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो दूसरा संभाल ले। चल रही है एंड मैंने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नींद सी लग रही थी। तो फिर राज ने बोला कि ऐसा करो तुम सो जाओ, तो मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। एंड वैसे मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही, बस हल्का सा हाथ में पेन हो रहा, वरना मेरे को डर लग रही थी पता नहीं कैसे लगेगा क्या होएगा, बट कुछ नहीं हुआ यार, बहुत ही ईजली लग गया। तो आप लोगों ने अगर नहीं लगवाया तो आप भी जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और फटाक से लगवा लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड तीसरी दोनों, ओ माई गॉड, देख रहे हो क्या भयानक सी आंधी चलने लगी है। तो चलो चलते हैं अंदर और चाय वाय कुछ बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मतलब 4-5 दिन हो गया मैंने चाय नहीं पी। तो जब भी अच्छा सा मौसम होता है तो मुझे चाय की till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी देखो मैं आ गई हूँ नीचे एंड यहाँ पे राज और अंकल जो है वो लगे हुए हैं छटाई करने में, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया एंड प्लांट की ब्रांचेज ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो और बनाना प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए जो बहुत बड़े प्लांट थे उनको कट करके और बाकी जो अशोक वगैरह के प्लांट हैं उनको भी छाँट दिया गया है, ताकि थोड़ा सा बालकनी बड़ा दिखे। हमारा पूरा कवर हो गया था यार पेड़ों से। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ चने की दाल, वो भी लौकी के साथ, एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए सबसे पहले ना ये बड़ी जो होती है इसको मैं अच्छे से रेड कर लूँगी, इसको डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। एंड इसको अच्छे से मैंने रेड करके पानी में निकाल लिया है। सेम इसी कुकर में ना मैं जीरा का तड़का दूँगी, और उसके बाद जो है अदरक लहसुन और प्याज को मैंने बारीक एकदम चॉप्ड कर लिया है, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इसको डालूंगी और इसको थोड़ा सा ना पिंक होने तक ही इसको भूनूंगी, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, सिर्फ पिंक हो जाएगा तब तक इसको भूनेंगे। तो ये हमारा पिंक हो गया, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर,
और जीरा पाउडर ये सब डाल के अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भूनना है। और उसके बाद फिर मैं इसमें ना 2 बारीक टमाटर कटे हुए डाल दूँगी और साथ में डालूँगी नमक। तो नमक डालने के बाद इसको ना अच्छे से भूनना है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाएं। तो अभी देखो हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, टमाटर भी गल गया है। तो अब इसी टाइम ना ये चने की दाल है, इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगा दी थी। तो अब ये चने की दाल इसमें ऐड करूंगी और इसी के साथ ना ये लौकी है, लौकी भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसको ना आप तुअर दाल के साथ भी बना सकते हो, अरहर दाल के साथ। ऐसा नहीं है कि बस ये लौकी जो है वो चने दाल के साथ ही बनती है, दोनों के साथ इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और इसी टाइम ये जो बड़ी है ये भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें लगेगा। और अब इसको ना ढक्कन लगा के हम 5 सीटी तो पकाएंगे, क्योंकि चने दाल को ना पकने में टाइम लगता है। और फ्लेम को ना मीडियम ही रखेंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आम पना। इसके लिए मैंने सिंपल आम को बॉईल करके उसका जो है गूदा निकाल लिया है। और तो अब इसको ना बनाने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार में मैं डालूँगी पुदीने की पत्ती और धनिया की पत्ती, और इसी के साथ डालूँगी ये जलजीरा पाउडर 1 चम्मच भर के। साथ में जाएगा जीरा पाउडर, साथ में जाएगा काला नमक। और इन सबको डालने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी अपना ये जो प्योरे है या आम का गूदा जो भी आप बोले, इसको डालने के बाद ना इसमें शुगर डालूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना खट्टा मीठा वाला टेस्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ तो मैं वही डाल रही हूँ। एंड इसके साथ फिर मैं ये आइस क्यूब डाल रही हूँ और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो गया, अब आपको जितना पतला या गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिए और इसको ठंडा ठंडा इन्जॉय करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अभी देखो मेरा आम पन्ना हो गया है रेडी, एंड ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्ट एंड फ्रेश लग रहा है। बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। मेरे को पसीना आ गया यार, बट ऐसा लग रहा है मैंने मेकअप में वो लगाया है, हाइलाइटर लगाया हुआ है। वाओ अच्छा लग रहा है। तो ये देखो ये दाल मेरी अच्छे से पक गई है, एंड इसमें ना अभी मैं एक ऊपर से तड़का और दूंगी। और मेरा वैक्सीन की वजह से ना थोड़ा हाथ दर्द हो रहा है और आज ऑफिस में है। तो ये देखो एंजू आटा गूंथ रही है, तो अभी आटा गूंथ दे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा आटा गूंथती है। मतलब आज ये शायद 3री या 4थी बार गूंथ रही है, तो आज मैंने सोचा चलो, इसको हमेशा बोलती भी है मुझे आटा गूंथना है, मुझे रोटी बनानी है। मैंने कहा बेटा आज मेरा हाथ दर्द हो रहा है तो चलो तुम गूंथ ही लो। आटा गूथा है, कितना अच्छा उसने आटा गूथा है, एकदम चिकना कर दिया है। बस थोड़ा सा हार्ड है बट ठीक है, इतना मतलब चिकना है कि मुझे मेहनत नहीं पड़ेगी एंड अब मैं इसकी रोटियां इजीली बना दूंगी। सो फ्रेंड्स अभी अंश का ये एक बहुत ही उसका फेवरेट गिफ्ट आ चुका है, जिसके लिए वो ना पिछले 6 महीनों से क्रेजी होके बैठा है। एंड उसने बोला कि मुझे बर्थडे पे ना सिर्फ यही दिला दो मम्मा, और मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो फिर राज ने बोला कि दिला दो। एक्चुअली ये एक बोल्ड गेम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है क्या। सो फ्रेंड्स ये देखो आ गया है अंश का सरप्राइज, जो उसको बर्थडे के पहले ही मिल गया। तो ये मोनोपोली एक गेम है, जैसे हम लोग बहुत पहले खेलते थे ना, बिजनेस गेम होता था व्यापारी, ये उसी का थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाँ लेटेस्ट वर्जन है। तो इसके साथ ये एटीएम भी मिला है और साथ में जो है ये 4 कार्ड्स मिले हैं, और बाकी सब तो जो मिलते हैं डाइस वगैरह वो सब तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ये गेम बहुत ही मजेदार है। तो ये है एंजल और अंश की खुशी देखो। बहुत बहुत खुश हूँ,
मेरा ड्रीम गेम मिल गया आज मुझे। ओह माय गॉड, मत संभाल के भी रखना ठीक है, एकदम संभाल के। हाँ, एंड इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता दूं तो ये हम लोगों को 1850 का पड़ा है, 1850 का है ये, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बाकी अमेजोन वगैरह में भी ये अवेलेबल है। बट सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं फिर से बालकनी में और अभी हम लोग सोया कटोरी खा रहे हैं। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो बस उसको एंजॉय करते हैं। एंड साथ में ना ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, तो अगर ब्लॉग किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर हिट कर देना। और एंजल खा रही है पीनट बटर और रोटी। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।